सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक्स और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग है और पूरी डायग्राम से हम इसको ट्रिक को याद करेंगे, इमेज के माध्यम से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसानी से मैं आपको सारे के सारे समाधि स्थल को याद करा दूंगा। सिर्फ एक बार आपको इस वीडियो को देखना होगा, इसके बाद आपको रिवीजन करने का भी टेंशन नहीं है। अक्सर दोस्तों समाधि स्थल से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं स्टेट एग्जाम और सेंट्रल की एग्जामों में, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एक बार इस वीडियो को देखना है और सारा आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं आपको डायग्रामेटिकली सब अच्छे से समझा देता हूँ। आप डायग्राम देखेंगे और आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजघाट के बारे में कि राजघाट जो है वो किस महापुरुष की समाधि स्थल है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिक हमारी ऐसी रहेगी, वर्ड टू वर्ड चलेगी, जो हम वर्ड से पकड़ के हम आंसर तक पहुंचेंगे। जो आपको वर्ड दिख रहा है उसको हम रिलेट करके स्टोरी से हम उसके आंसर तक पहुंचेंगे। ऐसे कोई भी आपको लाइन याद नहीं कराऊंगा मैं, जिससे आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी, वो कुछ भी बात याद नहीं कराऊंगा, सिर्फ वर्ड से हम उसको लिंक करेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं राजघाट लिखा है, तो हमने पकड़ा दोस्तों वर्ड राज। तो आपको जैसे पता है कि भारत देश पे राज किसने करा, अंग्रेजों ने करा, और इन अंग्रेजों का छुटकारा किसने करा है, आपको सभी को पता है महात्मा गांधी ने इन सबका छुटकारा करा है। तो राजघाट जो है वो किसकी समाधि स्थल है, महात्मा गांधी की। क्लियर, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हमने लिंक करके उसकी सेट करा है और हमारा आंसर निकला महात्मा गांधी। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला आता है शांतिवन। शांतिवन समाधि स्थल के बारे में हम देखते हैं, तो शांति वर्ड हमने पकड़ा। अगर कोई गुस्से वाला इंसान है, उसको अगर शांत करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ज्वार की रोटी खिलाना पड़ेगी। ये एक ट्रिक है कि ज्वार की रोटी आप उसको खिला दो तो वो शांत हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर उसके जीवन में शांति लाना है तो ज्वार की रोटी खिलाओ, यही हमारी ट्रिक है। तो ज्वार की रोटी से हमारी निकल के आता है दोस्तों, ज्वार मतलब जवाहर, तो जवाहरलाल नेहरू। तो शांतिवन जो है दोस्तों समाधि स्थल, वो जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। ये स्टोरी है हमारी, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं आप विजय घाट। विजय घाट दोस्तों देखिए, हम वर्ड पकड़ते हैं विजय, विजय मतलब विक्ट्री। तो विक्ट्री आपको समझ में आ रहा है, विजय, विजय हम कब प्राप्त करेंगे दोस्तों। सिचुएशन ऐसी है कि एक आदमी है, उसके सामने जानवर खड़ा है और उसका वो बहादुरी से डट के सामना कर रहा है। सिचुएशन का बहादुरी से सामना करने पर ही हमको विजय प्राप्त होती है। अगर हम डरपोक डर के भाग जाएंगे तो विजय नहीं मिलेगी, विक्ट्री हमको नहीं मिलेगी। तो विजय अगर प्राप्त करना है तो बहादुरी से सामना करना पड़ेगा। तो क्या हमारा एम निकल के आया है, बहादुर होना चाहिए अगर आपको विजय प्राप्त करना है। तो बहादुर से दोस्तों हमारा बना लाल बहादुर शास्त्री। तो विजय घाट जो है वो किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए आगे हम बात करते हैं आप शक्ति स्थल। शक्ति स्थल में दोस्तों वर्ड हमने पकड़ा शक्ति। अब शक्ति से रिलेटेड मेरे को एक नारा याद आता है कि नारी शक्ति जिंदाबाद। आप सभी ने सुना होगा नारी शक्ति जिंदाबाद, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया है कि शक्ति स्थल जो है वो किसी महिला से रिलेटेड है। तो दोस्तों देखिए, आपको दिख रहा है जैसे कि इंदिरा गांधी, तो ध्यान रखिएगा शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब किसान घाट के बारे में। किसान घाट दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा किसान। किसान जो होता है वो अन्नदाता होता है, हमको अनाज उगाता है वो और हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी किसान आपको मिले तो उसके चरण छूना है। क्या करना है, चरण छूना है। तो चरण छूना है, यही हमारी ट्रिक है। तो चरण से हमको दोस्तों लिंक सेट करना है कि चौधरी चरण सिंह जो है वो किसान घाट से रिलेटेड है, मतलब किसान घाट जो समाधि स्थल है वो चौधरी चरण सिंह का है। क्लियर दोस्तों, चलिए स्टोरी आपको खुद को समझ में आ जाएगा, आसानी से आप सब लिंक कर लेंगे और या तो आपको याद भी होता जा रहा है क्योंकि आपके दिमाग में मैं सारा इमेज के माध्यम से पूरी 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 जीके में आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ। चलिए आगे अब हम देखते हैं एकता स्थल। एकता एक स्थल जो है समाधि स्थल, ये किससे रिलेटेड है। तो एकता दोस्तों हमको वर्ड समझ में आ रहा है, अब आम लोगों में एकता तो होती नहीं है, ठीक है, लड़ते झगड़ते रहते हैं सभी लोग सोसाइटी में। तो एकता सबसे ज्यादा देखने को कहां मिलती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जेल में। जेल में जो कैदी रहते हैं उनके उसमें एकता रहती है, यूनियन रहता है उनका अंदर। तो एकता जेल, तो हमको दोस्तों ध्यान रखना है जेल के लोगों में एकता होती है। तो जेल से दोस्तों हमारा ट्रिक निकल के आ रहा है ज्ञानी जेल सिंह। तो एकता स्थल जो है दोस्तों ध्यान रखिए किसका समाधि स्थल है, ज्ञानी जेल सिंह का। चलिए आगे अब देखते हैं हम, और अगला आता है नारायण घाट।
ये समाधि स्थल किससे रिलेटेड है? चलिए लिंक सेट करते हैं। नारायण वर्ड को हमने पकड़ा, नारायण आप सभी को पता है विष्णु भगवान का नाम होता है, तो हमने आपको दिख ही रहा होगा डायग्रामेटिकली ये। तो विष्णु भगवान के हाथ में दोस्तों एक हाथ में होता है चक्र और एक हाथ में होता है गुलाब, होता है बिल्कुल आपको दिख रहा होगा वहां पर फूल। तो गुलाब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इस यही हमारी ट्रिक है गुलाब। तो गुलाब का स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है? गुल, तो गुल, और ये लाल कलर का होता है, तो ये हमको आंसर में मिलेगा गुलजारी लाल, लाल गुलाब होता है, तो गुलजारी लाल नंदा। यही दोस्तों नारायण घाट जो है वो समाधि स्थल किसका है? गुलजारी लाल नंदा का है। चलिए आगे और देखते हैं हम। अब अगला आता है अभय घाट। अभय घाट को याद रखने की ट्रिक देखिए दोस्तों कैसे है। भय जो आ रहा है इसमें वर्ड, भय इस वर्ड को हमने पकड़ा, तो दोस्तों भय लग गया इस लड़के को। भारत में छोटे बच्चे को भय मतलब डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं इसका राज मैं आपको बता रहा हूँ। उनके सामने मोर आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों? मोर। तो छोटे बच्चे डर जाते हैं उनका बड़े बड़े पंख देख के। तो ध्यान रखिए दोस्तों अभय घाट जो है वो लिंक हुआ है मोर से, मतलब भय मतलब होना किसी बच्चे को किससे? मोर से। तो मोर हमारी ट्रिक बनी, मोर से बना हमारा दोस्तों मोरारजी देसाई। तो अभय घाट जो है वो किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। चलिए आगे और देखते हैं हम चित्रा भूमि। चित्रा भूमि जो है समाधि स्थल वो किसका है? देखते हैं लिंक हम मिलाते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड मिल रहा है चित्रा, जो कि हल्का हमको चित्र जैसा साउंड दे रहा है। अब हम अक्सर चित्र लगाते हैं, ये तस्वीर लगाते हैं, चित्र लगाते हैं अपने रूम में, भगवान का लगाते हैं, अम्बे मात का, तो ये अम्बे मात का फोटो हम लगाते हैं और बोलते हैं, प्रे करते हैं उनसे कि हमको जीके याद करा दो और हमारे एग्जाम में सिलेक्शन करा दो। सभी लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अम्बे माता के सामने हम प्रे करते हैं कि हमको पास करा दो, सिलेक्ट करा दो हमारा, ठीक है? तो अम्बे मात निकल के आया, तो यही हमारी ट्रिक है। अम्बे, अम्बे से हमारा बना अम्बेडकर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब समता स्थल। समता स्थल दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा समता। समता जो होते हैं इसको हमने थोड़ा सा कन्वर्ट करके बनाया क्षमता, और क्षमता से आप ध्यान रखिए कि आज का जो जीवन है इसके अंदर, इस जीवन में इतना ज्यादा करप्शन देखने को मिलता है, इतना ज्यादा दोस्तों आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके आप ये जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आप में सहन करने की शक्ति है, क्षमता अगर है आप में, तो ही आप जिंदगी जी सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों बहुत टफ हो चुका है आजकल, करप्शन से लेकर देखो आजकल बहुत दिक्कतें हैं दुनिया में। तो क्षमता अगर होगी तो आप जीवन यापन अच्छा करोगे। तो दोस्तों जग जीवन राम, ठीक है, जीवन यापन अच्छा होगा अगर क्षमता है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको और याद कर सकते हैं कि समता स्थल जो है वो किसका समाधि स्थल है? जग जीवन राम का। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों अब महाप्रयाण। महाप्रयाण जो समाधि स्थल है वो किसका है? ऐसे याद करना बहुत डिफिकल्ट है, बट मैंने थोड़ी सी ट्रिक बनाई है, आपको बताता हूँ। महाप्रयाण जो है वो मैंने हल्का सा इसको बनाया है महापुराण, बट हमने महापुराण का तो नाम सुना नहीं है कभी, शिव पुराण का नाम जरूर सुना है। तो महापुराण दोस्तों इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ शिव पुराण में। अब शिव पुराण सुनने के बाद दोस्तों सभी लोगों को क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है, बिल्कुल। तो यही हमारी ट्रिक है, प्रसाद से हमारा बना राजेंद्र प्रसाद। तो महाप्रयाण जो है दोस्तों किसका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद का। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने आसानी से याद कर लिया, आपको भी नहीं पता है कि आपको कैसे याद हो गया, ये सब आपको याद हो चुका है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं कि आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, किसान घाट समाधि स्थल निम्न में से किसका है? आपने खाली वीडियो देखा, आप आंसर बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। देखिए पहला बोल रहा है वो गुलजारी लाल नंदा, मतलब गुल और लाल मतलब गुलाब और लाल, तो नारायण का था वो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहर, ज्वार की रोटी खिलाई थी हमने जो गुस्सा कर रहा था शांत करने के लिए उसको, तो शांति स्थल मतलब ये भी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर होना, बहादुर होगा तो उसको विक्ट्री मिलेगी, विजय प्राप्त होगी, तो विजय तो ये भी नहीं है, यहाँ तो किसान घाट की बात हो रही। चौधरी चरण सिंह, तो चरण, चरण हम किसके छूते हैं दोस्तों? जो हमको अन्न देता है मतलब किसान। आसानी से हमारा ऑप्शन लग गया कि ऑप्शन कौन सा? डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से हमने दोस्तों आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर लिया। तो ये ट्रिक आप बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगी, एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको निश्चिंत हो जाइए और भूल जाइए टॉपिक। समाधि स्थल से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको याद कर लेंगे। ऐसे दूसरे बहुत सारी ट्रिक है कि इसको वर्ड से वर्ड करके एक लंबा पूरा एक सेंटेंस बना देते हैं और उसको रट लो, भूल जाओगे आप, उसको नहीं रटा जा सकता। ऐसे वर्ड टू वर्ड और इमेज से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
हैं।